तो चलिए वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी लोग हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में और सेमेस्टर टू में हैं, तो देखिए उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है। तो आप चाहे झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो या फिर झारखंड के बाहर जितने भी राज्य प्रदेश हैं सभी में पढ़ाई कर रहे हैं तो काम देगा। बस शर्त एक है, झारखंड से बाहर अगर आप हैं तो CBCS पैटर्न आपका होना चाहिए, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, ठीक है। बाद में झारखंड में तो सभी के काम ही देगा, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोलंजर यूनिवर्सिटी धनबाद हो, विनोद बिहारी महतो, या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग हो, या रांची यूनिवर्सिटी हो, या SKMU दुमका हो, नीलम्बर पीताम्बर कोल्हान, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी हो, सभी के काम में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप झारखंड से बाहर हैं तो ध्यान रखना है कि CBCS पैटर्न पर आधारित है या नहीं। तो देखिए CBCS पैटर्न पर आधारित क्रिएटिव बेस्ड चॉइस सिस्टम BA सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3, ठीक है। देखिए यह 21-24 के सेशन में पूछा गया पेपर है, इसमें आपको फुल मार्क्स 80 नंबर दिए जाते हैं। वैसे तो पेपर 100 नंबर का होता है, 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, ठीक है, जिसमें इंटरनल एग्जाम होता है। समय इस पेपर में आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, हर बार की तरह सभी सेमेस्टर में 3 घंटे समय दिए जाते हैं। अब देखिए इस पेपर में बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर करने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 जो है कंपलसरी है, किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, मतलब कि इसको बनाना है, उसके बाद अदर किसी 4 प्रश्नों को बनाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है यह है आपका 2 भागों में बटा हुआ, भाग ए एंड भाग बी। भाग ए में कुल 10 ऑब्जेक्टिव है एंड इसमें आपको 1 सेलेक्ट करना होगा सही आंसर क्या है। इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं, लेकिन आप झारखंड से बाहर जैसे कि स्पेशल राज्य में जैसे गुजरात में, तो गुजरात में आप गुजराती में कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बांग्ला में कर सकते हैं। वैसे बहुत ही कम लोग देखते हैं झारखंड से बाहर, फिर भी देखते हैं तो मैं बता दूँ ताकि आपके कुछ कन्फ्यूजन ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, वेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया, ठीक है। तो पहला जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वह कब किया था, क्या था 326 ईस्वी पूर्व में। उस समय भारत में जो शासन था चंद्रगुप्त मौर्य धननंद उन सभी का शासनकाल चलता था, चाणक्य ने आखिर खेद के भगा ही दिया, इसको खदेड़ दिया। तो 326 ईस्वी पूर्व मतलब खदेड़ा नहीं था, वह डर गए थे उसके सिपाही, ब्यास नदी को पार जो नदी था नदी को पार नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और हाथी के डर के कारण वहीं पर रह गए। चलिए जो भी हुआ इतिहास गवाह है सभी चीज़ों का। बी नंबर है संगम साहित्य किसके संरक्षण में लिखा गया, तो संगम साहित्य किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो संस्कृत भाषा में जितने भी साहित्य लिटरेचर लिखे गए हैं उन सभी को संगम साहित्य कहा जाता है, ठीक है। तमिल साहित्य में तमिल भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए लिटरेचर लिखे गए उन सभी को संगम साहित्य कहा गया। और यह जो किसके संरक्षण में लिखा गया, तो यह पांडवों के संरक्षण में लिखा गया, उस समय पांडवों का शासन चलता था, मतलब कि पांडव एक प्रकार के राजा थे। आगे देखते हैं तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कब हुए थे, ठीक है। जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था वह कब हुआ था, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो यह कहाँ हुआ था, यह हुआ था आपका पाटलिपुत्र, जिसको अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं, यहीं पे हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के संरक्षण में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति, दूसरे बौद्ध संगति और तीसरे, इन तीनों को याद कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि हर्षवर्धन के पिता कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो कि एक महान शासक थे और कहा जाता है कि कुंभ का मेला उसी ने आरंभ किया था, उसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र को लिखा है, रिटर्न किया है, उसका नाम क्या है, अश्वघोष, ठीक है। क्या नाम है, अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि कादम्बरी किसने लिखा है, ठीक है, कादम्बरी जो आपका ग्रंथ है इसको लिखा है किसने, तो वान भट्ट जी ने लिखा है, वान भट्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी को नोट डाउन करते जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नोट करने से आपका याद होता है एंड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जी नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय, क्या है, संध्याकर नंदी।
संध्याकर नंदी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रामचरित जो है संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है, रामचरित। और रामचरित्र मानस जब बोले तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, रामचरित्र संध्याकर नंदी के द्वारा और रामचरित्र मानस तुलसीदास द्वारा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं तो एच नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय आरंभ हुआ। ठीक है, तो किसके समय में आरंभ हुआ था, तो यह हुआ था आपका, यार इसका राइट आंसर मुझे भी नहीं मालूम है यहाँ पे। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था किसके समय हुआ था, देखिए दोस्तों ये डीप क्वेश्चन है, मतलब डीप क्वेश्चन क्या यार मुझे नहीं आता है, सिंपल सी बात। अब एक दो क्वेश्चन मुझे भी है कि नहीं आते होंगे, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग स्वयं। आगे देखिए पल्लव पूछा गया है आई नंबर क्वेश्चन 9 में कि पल्लव वंश का संस्थापक किसने किया था। ठीक है, पल्लव वंश, पाल वंश, इन सभी को याद कर लीजिएगा। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु, अक्सर पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो गोपाल। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, जितने भी वंश हैं इन सभी को आपको डायनेस्टी को याद कर लेना, उनके फाउंडर और उनके सबसे महान राजा। ठीक है, सबसे महान राजा कौन थे और उसके स्थापन किसने किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जे में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में स्वर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा विहार को 5 गांव में दान कर दिया था। तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम है, ये मैं बता सकता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर देख लीजिए कुमार गुप्त होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खोज लीजिएगा। कुल मिलाकर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आते हैं। अब आगे देखते हैं तो अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं और प्रत्येक आंसर आपको 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर लिखना है एंड आपको 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो पहला है कि अपने अध्ययन काल के अंतर्गत स्रोत के रूप में सिक्के के बारे में बताना है, अध्ययन काल के अंतर्गत स्रोत के रूप में सिक्के। बी नंबर है हमारा क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, अपने अध्ययन काल के अंतर्गत मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कांचीपुरम के बारे में, आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं, कांचीपुरम क्या था, गोपुरम, कांचीपुरम, इन सभी के बारे में क्वेश्चन आता है। फिर आता है गण संघ क्या है, इसके बारे में भी नोट लिखना है, 4 में से केवल 2 को ही बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो 80 में से हम लोग 20 नंबर कर चुके हैं, अब बचा 60 नंबर। अब आपको सभी क्वेश्चन, मैंने जो बोला था ना प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, सॉरी गलती, मैंने पेपर को देखा नहीं था दोस्त, यार यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैंने सोचा सोचने से क्या होता है ना, देखने से होता है। तो 15 अंकों वाले अब सभी क्वेश्चन हैं, 15 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, कितने 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं 15 अंकों वाले। ठीक है, एंड इसका आंसर आपको कितना लिखना चाहिए, तो 450 शब्दों से ज़्यादा नहीं करेंगे, मैक्सिमम 450 शब्द, 400 से 450 शब्दों के बीच में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि कुषाण राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में बताना है, व्हाट आर द नेचर ऑफ कुषाण पॉलिटी। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि कुषाण की प्रकृति बताएं या फिर प्रशासनिक इकाई कैसी थी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कैसे था, इन सब के बारे में पूछा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है सातवाहन वंश के बारे में पढ़े होंगे, क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन राज्य के उदय के लिए उत्तरदायी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, हाँ सातवाहन राज्य के उदय के लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आलोचनात्मक मतलब कि आपको इसकी कमियां निकालना है कि कहां कहां पे कमी रह गई थी, और सातवाहन वंश के सबसे महान राजा कौन थे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सातवाहनों के सबसे महान राजा थे कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, श्री सातकर्णी नाम था, गौतमीपुत्र उसकी माँ का नाम था। प्रत्येक सातवाहन राजा अपने नाम के पहले अपने माता का नाम जोड़ा करते थे, इसको अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में कला की विशेषताओं की विवेचना करें के बीच जो 4 साल का समय रहा, सॉरी 400 सालों का समय, इनके बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताना है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि मथुरा और अमरावती कला शैली की प्रमुख विशेषताएं बताएं। मथुरा शैली और अमरावती शैली, इन दोनों के बारे में आपको विशेषता पूछी गई है, तो विशेषता बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि उन कारकों की व्याख्या करें जो प्राचीन से आरंभिक मध्यकालीन भारत में परिवर्तन को इंगित करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द फीचर्स विच इंडिकेट ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट टू अर्ली मेडिवल इंडिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। उन कारकों की व्याख्या करें जो प्राचीन से आरंभिक मध्यकाल में परिवर्तन को इंगित करते हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो प्राचीन काल से मध्यकाल भारत में आने के इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें दो राजाओं की भूमिका है, प्रशासनिक इकाई दे दीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही इतिहासकार, इन सब चीज़ों को खोज, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को बताना है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करें, बताना है। ये क्वेश्चन इजी है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हर्षवर्धन्स एम्पायर, कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला था, कहाँ कहाँ तक इसकी सीमाएं थी। ठीक है, कहाँ कहाँ तक इन्होंने युद्ध से जीता था, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि महेंद्र वर्मन की उपलब्धियों के बारे में बताना है। जब भी आपको उपलब्धियां पूछा जाए, ठीक है, अचीवमेंट्स पूछा जाए, तब आपको बताना है इनके अचीवमेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से युद्ध जीते, कहाँ कहाँ अपनी राजधानियां बनाई। ठीक है, इनका बचपन, पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ डिटेल में एक तरह से इनका बायोग्राफी लिख देना है, जीवनी लिख देना है। ठीक है, तो ये है गया उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सामाजिक और आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएं बताएं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो भी आगे भी बदलाव था और आज भी बदलाव है, बता दीजिए, इसमें तो क्या दिक्कत है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पल्लवकालीन संस्कृति विकास विशेषकर कला और धर्म के संदर्भ में वर्णन करें। ठीक है, जो पल्लव काल में संस्कृति हुआ, विकास हुआ, मंदिर कैसे बनवाए गए, नांगर शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है, और बेसर शैली, इन तीनों को भी बारे में भी पढ़ लेना है, क्वेश्चन आते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर आपका। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग तैयारी जम के करेंगे एंड अच्छे से मार्क्स लाएंगे, ताकि परसेंटेज कम ना हो एंड बेटर करें अपने लाइफ में। दोस्तों, मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ यार, देखिए अगर आप 18 प्लस के हो चुके हैं, ठीक है, तो मेरी राय यह होगी कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। अगर आप मेल हैं तो लड़कियों का दिक्कत होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप पुरुष हैं और 18 साल प्लस है, तो अपना खर्चा कम से कम खुद निकालिए, कुछ काम कर लीजिए, 2-4 घंटा कहीं भी मिलता है, भले ही आपके पिताजी लाखों रुपये महीने कमाता हूँ, लेकिन आप भी अब कमाना सीख जाइए। ठीक है, क्योंकि आप काम करेंगे ना तो देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। मालूम नहीं आप घर में रह के केवल तैयारी करके क्या उखाड़ लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा कड़ी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन बुरा मानना है तो मान लीजिए, लेकिन जो भी बात सच्चाई है, सच्चाई को तो बोलूँगा नहीं, तो इसी तरह बेरोजगारी बढ़ती जाएगी एंड घर में पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा होते जाएंगे। मेरी बातें कैसे लगी हो कमेंट में बताइएगा, एंड क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, एंड इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे क्लास 8 टू PhD तक के जितने भी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड जो भी करना है करें, लेकिन बेरोजगार मत बैठिएगा। ठीक है, अपना खर्चा कम से कम निकाल लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।